नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब 2019 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे RRB ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट लेट आएगा, और देखो वही हुआ, पहले ALP के आंसर की आई है उसके बाद ही रिजल्ट अब आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें प्रीवियस वीडियो की, तो मैंने बताया था कि 18 तारीख को रेलवे की CBT2 की आंसर की आएगी, और सेम वही चीज़ हुई है, CBT2 की आंसर की आई है। और अब मैं बता रहा हूँ कि 2 दिन तक उनका क्वेरीज वाला सिस्टम चलेगा, 2 दिन तक जो भी क्वेरीज होगी वो रेज करनी पड़ेगी, उसके बाद ही जो भी होगा वो ग्रुप डी के रिजल्ट के बारे में देखा जाएगा, उससे पहले ग्रुप डी का रिजल्ट नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी जैसे CBT2 की आंसर की आई है, तो लोगों को जो भी क्वेश्चंस में डाउट होंगे वो अपनी क्वेरीज लगाएंगे, तो रेलवे ने उसके लिए 2 से 3 दिन का टाइम दिया है। लास्ट 21 तारीख तक क्वेरीज चलेगी, उसके बाद भी हो सकता है कि 1-2 दिन डेट एक्सटेंड कर दे क्वेरीज लगाने की। तो अभी तक ग्रुप डी का रिजल्ट कोई भी डिसाइड नहीं हुआ है कि रिजल्ट आएगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि रिजल्ट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कब आएगा। और अगर बात करें रिजल्ट की, तो आएगा फरवरी में, लेकिन फरवरी एंडिंग तक रिजल्ट आएगा, इससे पहले रिजल्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों अभी लगभग आप ये मान के चलिए कि 5 से 6 दिन तक अभी तक ग्रुप डी का रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये ALP CBT2 की प्रोसेसिंग चलती रहेगी अभी 2-4 दिन तक, क्वेरीज जो भी होगी वो देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर बात करें ग्रुप डी की, तो ये ALP का जो भी होगा सिस्टम ख़त्म होने के बाद ही, उसके बाद ही ग्रुप डी का रिजल्ट निकालेंगे वो, उससे पहले रिजल्ट नहीं निकालेंगे। तो ये मान के चलिए कि आप फरवरी एंडिंग में ही इसका रिजल्ट आएगा ग्रुप डी का, उससे पहले नहीं आएगा। और हाँ, मार्च में आपकी फ़िज़िकल की डेट आ जाएगी, ये फाइनल है, मार्च में आपके फ़िज़िकल होना है। तो आप बस अपनी फ़िज़िकल की तैयारी कंटिन्यू रखिए, रिजल्ट का जब आना होगा आ जाएगा, आप तो बस अपनी तैयारी रखिए। जो भी होगा आपका 35 किलो वेट वाला, जो भी आप कंटिन्यू लगातार रखिए उसको, और इसके अलावा रिजल्ट फरवरी एंडिंग तक आ ही जाएगा। बाकी अभी इसका रिजल्ट, जैसे कि लोग बता रहे थे कि कल आने वाला रिजल्ट नहीं आया था, रिजल्ट अभी लेट ही आएगा इसका, अभी तक कोई भी डिसाइड नहीं किया है, ऑफिशियल कुछ भी न्यूज़ नहीं आई है अभी तक कि रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा। तो आप मान के चलिए कि 5-7 दिन तो और लगेंगे अभी रिजल्ट आने में। तो आप इसके आगे फिजिकल की तैयारी करते रहिए, और मेरा बस यही कहना है कि आप रिजल्ट आएगा जब देख लेना, बाकी तैयारी करते रहिए। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।